नेक्स्ट अपन कर रहे हैं कि चाइल्ड क्लास के मेथड में से पेरेंट क्लास के मेथड को कैसे कॉल करते हैं। ये अपन वैसे कल कर चुके हैं, वो अपन ने ओवरराइडिंग के केस में किया था। ये जिसमें पेरेंट और चाइल्ड क्लास में अलग अलग मेथड्स, तो मैंने क्लास बनाई फर्स्ट, उसमें डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया। फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड है, फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास चाइल्ड क्लास है, क्लास सेकंड इनहेरिट्स फर्स्ट, इसके अंदर मैंने शो नाम का मेथड बनाया। पेरेंट क्लास में डिस्प्ले है, चाइल्ड क्लास में शो। अब अपन मेन से देखें, डिम के एज न्यू सेकंड, सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने शो मेथड को कॉल किया, तो सेकंड क्लास का शो मेथड कॉल होगा। शो मेथड तो सेकंड क्लास में है तो वो कॉल हो जाएगा। इसके अंदर से मैंने डायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल किया, मतलब चाइल्ड क्लास के मेथड में से मैंने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। यहां मैंने माय बेस कीवर्ड नहीं लगाया है क्योंकि ये मेथड ओवरराइड किया हुआ नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली सिर्फ उसके नेम से कॉल कर सकते हैं, और अगर अपन चाहें तो माय बेस डॉट डिस्प्ले लगा के भी कॉल कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ डिस्प्ले लगाया, अगर पेरेंट क्लास में भी डिस्प्ले होता बिना आर्ग्यूमेंट का, चाइल्ड में भी डिस्प्ले होता बिना आर्ग्यूमेंट का, तब तो मुझे पेरेंट वाले को कॉल करने के लिए माय बेस डॉट डिस्प्ले लिखना पड़ता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। इस समय कर रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, जिसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हो कि किसी क्लास की पेरेंट क्लास जो है वो खुद किसी दूसरी क्लास की चाइल्ड क्लास, जैसे कि अपने को यहां दिख रहा है। मान लो ये क्लास है ए, ये क्लास है बी और ये क्लास है सी, तो सी की पेरेंट क्या है, बी, जो खुद ए की चाइल्ड है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें अपने को अभी तीन क्लासेस दिख रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सी की चाइल्ड क्लास बी हो, आगे डी की चाइल्ड क्लास ई हो, वो भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की होती है। प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या लिखा है, क्लास बनाई है कौन सी, पर्सन, पर्सन क्लास की मैंने चाइल्ड क्लास बनाई है एम्प्लॉय। ये तो अभी सिंगल इनहेरिटेंस है, एम्प्लॉय क्लास की पेरेंट क्लास पर्सन। जब भी किसी क्लास की एक ही पेरेंट क्लास होती है उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब एम्प्लॉय की भी मैंने चाइल्ड क्लास क्या बना दी, मैनेजर, तो ये किस तरह की इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहां मैनेजर की पेरेंट क्लास एम्प्लॉय है जो खुद पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास है। इसका प्रोग्राम देखें, मैंने क्लास बनाई पर्सन, पर्सन में नेम और एज लिए, पर्सन के अंदर एक्सेप्ट बनाया, पर्सन में डिस्प्ले बनाया, तो दो डेटा मेंबर्स हैं नेम और एज, इनकी वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट मेथड है, डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले मेथड है। अब आप यहां देखो, कल वाला भी थोड़ा सा रिवाइज होगा आपका इससे, मैंने यहां पे क्लास बनाई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की पेरेंट क्लास पर्सन, क्लास एम्प्लॉय इनहेरिट्स पर्सन, ईएमपी आईडी एज इंटीजर, सैलरी एज डबल। अब मैंने यहां दिया शेडोज पब्लिक सब एक्सेप्ट, पेरेंट क्लास में भी एक्सेप्ट, चाइल्ड क्लास में भी एक्सेप्ट, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग। यहां मैंने क्या लगाया, शेडोज कीवर्ड। अब एम्प्लॉय के एक्सेप्ट में मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी का इनपुट लिया, सैलरी का इनपुट लिया, प्लस मुझे क्या करना है, पेरेंट क्लास वाला एक्सेप्ट भी कॉल करना है, मतलब पर्सन क्लास वाला एक्सेप्ट जो नेम और एज का इनपुट लेगा, उसके लिए मैंने यहां क्या लगाया, माय बेस डॉट एक्सेप्ट। इसी तरह से एम्प्लॉय क्लास में जो डिस्प्ले बनाया है उस डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉय आईडी को डिस्प्ले करवाने के लिए स्टेटमेंट, सैलरी को डिस्प्ले करवाने के लिए स्टेटमेंट और माय बेस डॉट डिस्प्ले।
माई बेस डॉट डिस्प्ले मतलब पेरेंट क्लास मतलब पर्सन का डिस्प्ले कॉल होगा जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा. नेक्स्ट है मैनेजर क्लास. क्लास मैनेजर इनहेरिट्स एम्प्लॉय. मैनेजर की पेरेंट क्लास कौन सी है? एम्प्लॉय. मैनेजर क्लास में मैंने अलाउंसेस नाम का एक डेटा मेंबर लिया इंटीजर टाइप का. मैनेजर क्लास में जो एक्सेप्ट बनाया वो पहले किसको कॉल करेगा? माई बेस डॉट एक्सेप्ट मतलब एम्प्लॉय का एक्सेप्ट. तो मैनेजर के एक्सेप्ट से एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल होगा, एम्प्लॉय के एक्सेप्ट से पर्सन का एक्सेप्ट कॉल. और फिर मैंने यहां लिखा है अलाउंसेस में इनपुट लेने का कोड. इसी तरह से जब मैंने डिस्प्ले बनाया मैनेजर क्लास में तो उसमें मैंने अलाउंसेस की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया प्लस पेरेंट क्लास वाले डिस्प्ले को भी कॉल किया. तो जब मैनेजर का डिस्प्ले कॉल होगा तो वो एम्प्लॉय के डिस्प्ले को कॉल करेगा और एम्प्लॉय के अंदर अपन ने पर्सन का डिस्प्ले कॉल किया हुआ है. मेन में सिंपल सा कोड लिखा गया है डेम पी एज न्यू मैनेजर. मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पी, इसका एक्सेप्ट कॉल किया और इसका डिस्प्ले कॉल. जब मैं मैनेजर का एक्सेप्ट कॉल करूंगा तो मैनेजर के एक्सेप्ट में से एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल होगा, एम्प्लॉय में से पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा. ये अपने आप कॉल नहीं होंगे, इसके लिए अपन ने कॉल करने का कोड लिखा है कि मैनेजर के एक्सेप्ट में से एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल हो, मैनेजर के डिस्प्ले में से एम्प्लॉय का डिस्प्ले कॉल हो, एम्प्लॉय के एक्सेप्ट में से पर्सन का एक्सेप्ट कॉल हो, एम्प्लॉय के डिस्प्ले में से पर्सन का डिस्प्ले कॉल हो. इसको अपन ट्री टाइप इनहेरिटेंस भी कहते हैं जिसमें एक क्लास की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस होती है. ये क्लास है पर्सन, इसकी दो चाइल्ड क्लासेस, मान लो एक एम्प्लॉय और दूसरी स्टूडेंट. तो जब किसी क्लास की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस होती है प्लस फर्दर उनकी और भी चाइल्ड क्लासेस हो सकती है, उस तरह के स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस या ट्री टाइप इनहेरिटेंस. ट्री आप लोगों ने डीएस में पढ़ा हुआ है, वो ऐसा ही होता है, ये ऊपर रूट होता है और फिर उसके चाइल्ड होते हैं, फिर उनके फर्दर चाइल्ड. तो ये तो होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस. अब जब किसी क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती है, ये दो क्लासेस हैं और ये एक क्लास है और इसकी दो पेरेंट क्लास है, इसको अपन कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस VB.NET में डायरेक्टली नहीं होती है, ना जावा में होती थी. C++ में आप लोगों ने पढ़ी हुई है मल्टीपल इनहेरिटेंस सभी में, जहां एक क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हो सकती है, वो VB.NET में नहीं होती है डायरेक्टली. लेकिन हायरार्किकल इनहेरिटेंस जिसमें एक क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो, वो VB.NET में होती है. तो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस. मैंने एक क्लास बनाई पर्सन, वही क्लास जो पिछले प्रोग्राम्स में यूज आ रही है. पर्सन क्लास की मैंने चाइल्ड क्लास बनाई एम्प्लॉय, ये भी प्रीवियस प्रोग्राम वाली ही. फिर मैंने यहां पे नया क्या है, पर्सन क्लास की एक और चाइल्ड क्लास बना दी स्टूडेंट. तो अब पर्सन क्लास की दो चाइल्ड क्लासेस, तो ये किस तरह की इनहेरिटेंस है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस. अब अगर आप इसको देखोगे तो मैंने एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी क्या लिखा है, माई बेस डॉट एक्सेप्ट और माई बेस डॉट डिस्प्ले. मतलब एम्प्लॉय के एक्सेप्ट और डिस्प्ले में से पर्सन का एक्सेप्ट और डिस्प्ले कॉल होगा. इसी तरह से स्टूडेंट के एक्सेप्ट और डिस्प्ले में से भी पर्सन का एक्सेप्ट और डिस्प्ले कॉल होगा. अब जब भी अपन किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी मेमोरी में बनता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, वापस डिस्कस कर रहे हैं. ये क्लास है एम्प्लॉय. मैंने जब एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सन, उसका ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएगा. इसी तरह से मैं अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्टूडेंट की पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सन, तो उसका ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएगा.
तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जब भी अपन किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पहले मेमोरी में आता है, मतलब पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है फिर चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब मैं एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल करूंगा तो एम्प्लॉय के अंदर से पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा और पर्सन का डिस्प्ले कॉल होगा एम्प्लॉय के डिस्प्ले में से। जब अपन स्टूडेंट का एक्सेप्ट कॉल करेंगे तो स्टूडेंट के अंदर से भी पर्सन का एक्सेप्ट और